बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, डेढ़ दो साल तक बहुत सारा रिसर्च चला, फिर शूटिंग हमारी एक साल तक चलती रही और आई थिंक 13th मई को सब लोगों की मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशंस भी बहुत हेक्टिक रहे हैं। दिस इज़ अ फन सीरियल दैट आई हैव कम फॉर और बहुत सारे दूसरे सीरियल्स के इंटीग्रेशन भी होंगे जो ऑडियंस को दिखेंगे इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में। सो जस्ट होपिंग टू सी एवरीवन इन द थिएटर्स ऑन 13th मई। वेल, अज़र भाई ने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैं बहुत नर्वस था जब हम फिल्म बना रहे थे, हम अज़र भाई को दिखाने वाले थे जो हमने दिखाया एक हफ्ते पहले, तो उनका फ़ोन कॉल आया, उन्होंने कहा कि आई couldn't, you know, you're the best actor to play my role, और उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो हमारे पूरे क्रू के लिए ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक तो ऑडियंस का प्यार है और फिर एक तो अज़र भाई का अप्रूवल है, तो ये बहुत खुशी हुई कि पहले स्टेज में अज़र भाई का अप्रूवल मिल गया क्योंकि उनकी लाइफ पर हमने फिल्म बनाई है और उन्होंने ही इज़ गिवन अस द थम्स अप। सो जा चुका हूँ और इसके अलावा कोई ऐसा शो जहाँ आप इमरान कुछ शोज हमने छोड़ा ही नहीं है, सब शो पे जा चुके हैं हम लोग। आई थिंक कुछ 5-6 टेलीविजन सीरियल्स और कुछ 5-6 रियलिटी शोज में जा चुके हैं, तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट इज देयर इन टेलीविजन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यही हर फिल्म मेकर, हर एक्टर यही चाहेगा कि उनका रिस्पॉन्स फिल्म का अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, और हमारा रिस्पॉन्स एक्चुअली पहले प्रोमो से मिल गया था, बहुत पॉजिटिव था एंड इट्स जस्ट बिल्डिंग अप। सो या एक्साइटेड अबाउट द रिलीज डेट। सिमिलैरिटीज तो नहीं है क्योंकि ये अज़र भाई की कहानी है, लेकिन एकता के साथ मेरी चौथी फिल्म है और पूरी फिल्म साथ पूरी क्रू जो है साथ में फिर से आई थी, जैसे प्राची भी है, रजत अरोरा जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी डरी पिक्चर वंस अपॉन अ टाइम की। सो इट वाज वेल आई लव द शो, सॉरी द शोज फुल नेम इज बहू हमारी रजनीकांत। वेल बहू हमारी रजनीकांत इज अ ग्रेट शो, आई थिंक आई हैड ग्रेट फन, बहुत कॉमिकल है, देयर इज लॉट ऑफ फन मोमेंट्स एंड लॉट ऑफ इम्प्रोव्स ऑन द सेट, तो लुक आउट फॉर द शो गाइस। थैंक यू सो मच।